आवंटित आवास 159 के लिए जनरल मजदूर विश्वनाथ हाड़ी आज गोविंदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। इन्होंने महाप्रबंधक को पत्र देकर अवैध कब्जाधारी से आवास को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। विश्वनाथ हाड़ी ने धरना के दौरान मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि विधिवत तरीके से सबसे पहले आवास संख्या 159 के लिए ऑनलाइन आवेदन कंपनी के पोर्टल में जमा किया, बाद में उसी आवास को मेरे आवेदन देने के कुछ दिन बाद आवास सिंडिकेट के सहयोग से गोविंद महतो जबरन ताला तोड़कर रहने लगा। मैं प्रबंधन से आग्रह कर रहा हूं कि आवास को तत्काल अवैध कब्जाधारी से मुक्त कराएं। मामला ये है कि वहाँ क्वार्टर आवंटन होने के बाद भी हमको नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर दलित आदमी को हम रहने नहीं देंगे, यहाँ पर बाबू लोग रहेगा, खाली बाबू लोग का है कॉलोनी है। ये बात कि उनके द्वारा बोला जा रहा है, ये बात बोला गौर सिंह के द्वारा बोला जा रहा है। गौर सिंह कौन है? वो BCCL कर्मी है, यहाँ पर OS है। आखिर उनका ऐसा बात बोलने के पीछे रीजन कारण क्या है? वही जातिवाद है, छोटा जाति को रहने नहीं देंगे। आखिर ये बात मामला है कहाँ? ये प्रेमनगर कॉलोनी का है। क्षेत्र संख्या 3 है, गोविंदपुर क्षेत्र है। आपका आवास बोर्ड का कोई अधिकारी है? आवास बोर्ड का अधिकारी हाँ है, अंकित श्रीवास्तव। वो क्या बोले? वो तो हमको कर दिए। एक्चुअली इनका क्वार्टर का आवेदन स्वीकृत हुई थी, हम मिल कर देखा गया कि इनके ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है और कंप्लेन निराधार पाने के आधार पे इनको अलॉटमेंट किया गया है। अभी इनको वार्तालाप किया जा रहा है, इसमें कोई जातिगत